शिवपुरी जिले के देहात थाना पुलिस ने जिला बदर आरोपी को अवैध शराब बेचते किया गिरफ्तार, भेजा जेल। शिवपुरी जिले के देहात थाना पुलिस ने गुरुवार को दबिश देकर एक जिला बदर आरोपी को जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देहात थाना प्रभारी विकास यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर का आरोपी रोहित पुत्र वीरेंद्र चौहान उम्र 19 साल निवासी खेड़ाबती कॉलोनी अहिर मोहल्ला पुरानी शिवपुरी जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन कर घर से जहरीली शराब का विक्रय कर रहा है। सूचना पर से पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन और जहरीली शराब बेचने के मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने उसे न्यायालय पेश किया है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। क्या कुछ है मामला? ये आरोपी रोहित चौहान, जिसका जिला बदर चुनाव से पूर्व किया गया था, सामान्य कलेक्टर महोदय द्वारा इसका आदेश पारित हुआ था। इसका जिला बदर पर ये 6 महीने के लिए जिला बदर था और ये शराब बेचने एवं स्मैक बेचने का आतन अपराधी है। पूर्व में इस पर कई अपराधी रिकॉर्ड है। जिला बदर की अवधि के दौरान ये यहाँ पर पाया गया, इसको गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तार किया था? ये इसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये अपने घर के पास आया हुआ है, इसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। कहाँ का रहने वाला था? ये खेड़ापति मंदिर के पास पुरानी शिवपुरी में रहता है, वहाँ से इसे गिरफ्तार किया और इसका जिला बदर का अपराध पंजीबद्ध किया, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया। पूर्व में भी सर कोई अपराध है इस पे? और भी इस पे पूर्व में भी स्मैक बेचने, स्मैक शराब बेचने, जहरीली शराब बेचने के कई अपराध।